ओम ह्रीं श्री वृष्वादिवीरान्तञ्जलिनिस्नप्यामा ओम ह्रीं श्री वृष्वादिवीरान्तञ्जलिनिस्नप्यामा ओम ह्रीं श्री वृष्वादिवीरान्तञ्जलिनिस्नप्यामा ओम नमः सिद्धेवे ओम नमः सिद्धेवे ओम नमः सिद्धेवे श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्थी तंग्रहे द्वादश गण प्रवेटिताये शुक्ल दान पवित्राये सर्वज्ञाये स्वयंभूये सिद्धाये बुद्धाये परमात्मने परम चुकाये त्रिलोके में व्याप्ताये अनंत संसार चक्रिमर्दनाये अनंत दर्शनाये अनंत ज्ञानाये अनंत वीर्याये अनंत सुखाये सिद्धाये बुद्धाये त्रिलोके वंश कराये सत्य ज्ञानाय सत ब्रह्मणे धनेन्द्र प्रणा मंडित मंडिताय ऋषि आरिका चावक चाविका प्रमुख चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय गाति कर्म विनाशनाय अगाति कर्म विनाशनाय अपायम मैत्रम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गभयम सर्वविघ्नभयं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमग्भयं सर्वमात्मभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वचूलरोगं सर्वचयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वम्यामारी सर्वगोमारी सर्वमहिषीमारी सर्वदान्यमारी सर्वरक्षमारी सर्वगुलमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्वदलजाग्निमयं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सर्वेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम ग्रीम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम संवत् तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर केट करवट धोनमुख संवाहक नंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानंदनम सर्व दुखयानयान पज पज कुटकुट चिक्रम चिक्रम को करो यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्वर्षन् वर्जितम् अभ्यं क्षेमारोग्यम् स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु अस्माकं आचार्य भगवान श्री विद्यासागर मुनिराज तशिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागरजी महाराज संघस्थ ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री दीदी व समस्त शांति धारा कर्ता परिवार के उत्तम स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री नरेश जी जैन श्री श्रीमती अंजलि जैन वरुण जैन प्रीति जैन धैर्य जैन निखिल जैन पल्लवी जैन 4/33 रूपनगर की तरफ से आज की शांति धारा श्री नसीब जी सोनी ममता नीतू मनीत पीयूष लोहित पलक स्मिता रितिशा परिवार की सुख समृद्धि व शांति के लिए शांति धारा 18 उपासना गुणमंडी से श्री भूपत राय जी अमृतलाल मोदी श्रीमती रजना बहन भूपत राय मोदी श्रीमती ख्याति हेमंशा व चिरंजीवी हेतु भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ निरोग्यता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांति धारा स्वर्गीय श्रीमती उषा जी जैन परिवार अजय जी रितु जी शक्तिनगर वालों द्वारा भी 1 महीने की शांति धारा श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार पवन प्रीति अंकुर त्रिशला सिमरन गोदा परिवार शक्तिनगर से श्री अशोक जी जैन नरेंद्र जी जैन जगजोत साना प्रताप बाग से श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी वीरेंद्र जी पायल जी दिश्विटिया व आर्य सोनी प्रीत व्यास से श्री राजीव जी जैन अनीता जैन ममता वैभव नेहा मार्दव पुलकित ऐश्वर्य आर्जा प्रियंका अर्पित पारुल अतिन रूपाशी डेलको रबर ट्रेडर्स प्रीत व्यास से स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जैन सुनील जैन स्वाति जैन परिवार सीसी कॉलोनी से श्रीमती पुष्पा जी जैन पुत्री बबीता जैन अजय आरुषि श्रेया अभिषेक जैन पुत्री मंजू जैन अजय नीति रिया देवान जैन पुत्री पूनम जैन कमल जैन सौम्य जैन संयम जैन की ओर से भी शांति धारा श्री सुरेश जी जैन नरेश जी जैन खिलौना वाला परिवार रूपनगर वालों की तरफ से भी शांति धारा समस्त शांति धारा कर्ता परिवार टीवी के सामने देखने वाले सुनने वाले व यहाँ उपस्थित सभी जैन परिवार से पुष्टिरस्तु
तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा संतु सधर्म शिबालारोग्यमेश्वरम अभिवृद्धिरस्तु सदम सोशिष्य पर शिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः ओम राम रीम रोम रोम रा नमो संपूर्ण कल्याण मंगलु मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु 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 ओम रीम श्रीम क्लीम अरम असिया उसा अनहात विद्याय नमो अरियंतनम ह्रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रश्नशेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग उपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सब प्रकृत शूद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व शामलाम हर विनाशनाय ओम राम ब्रीम रूम रोम रह असि औसा अरहम नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु वशट स्वाहा संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन समन तपोदनानम देश से राष्ट्र से पुरस्से राज्यम करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र गलगान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ मे ओम ह्रीम साक्षात वेदी में विराजमान श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय अभिषेकान्ते मस्तको प्री शांति धारानन्ते अर्घम निरपामति जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलिए सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर जी महाराज की जय बोलिए संकट रण प्रणेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय जिनेन बंधुओं बहुत ही खुशी की बात है कि लाल किले जैसी जगह पर 5100 जोड़ों के द्वारा सिद्ध महाअर्चना जो कि आने वाली 13 नवंबर को सप्तम पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज सहसंघ के सानिध्य में श्री सम्मेध शिखर जी के संरक्षण संवर्धन व पवित्र जैन तीर्थ स्थल जल्दी से जल्दी घोषित हो इस भावना के साथ में ये 5100 जोड़ों का विधान लाल किले में शायद हमारे सामने तो पहली बार ऐसा विधान हो रहा है। आप सभी भाई बहन जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप सभी को इस विधान में अवश्य बैठ करके दिखाना है कि जैन एकता कैसी है। हम सब जैन एक हैं और सम्मेध शिखर जी हमारा है वो जब ही होगा जब आप सभी भाई बहन इस विधान में आकर के यहाँ पर बैठेंगे। विधान में बैठने वाले इंद्र इंद्राणियों को धोती दुपट्टा साड़ियाँ हार मुकुट आने जाने की बसों की व्यवस्था शुद्ध भोजन की व्यवस्था सभी वहाँ पर समिति की तरफ से की गई है। संपूर्ण भोजन की व्यवस्था श्रीमान धनेन्द्र जी अंजू जी जैन परिवार निर्वाण विहार एवं श्रीमती शकुंतला गोदा पवन प्रीति गोदा परिवार शक्ति नगर की तरफ से आप सभी के लिए की गई है। हमारे कुबेर इंद्र धीरज भाई नंदिता जी कास्तलीवाल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ से जो 11 सोने के सिक्के उनके परिवार की तरफ से व 21 चांदी के सिक्के इस विधान में बैठने वाले सभी इंद्र इंद्राणियों का जो वहाँ पर रहेंगे उनका ड्रॉ के द्वारा जो कुबेर इंद्र है उनके परिवार के द्वारा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में यज्ञ नायक पवन प्रीति गोदा शक्तिनगर सौधर्म इंद्र धनेन्द्र जी अंजू जी जैन परिवार निर्वाण विहार कुबेर इंद्र धीरज जी नंदिता जी मुख्य ध्वजारोहणकर्ता श्रीमान सुनील जी मनीषा जी जैन मंगल कलश स्थापनाकर्ता परिवार श्रीमान ज्ञानचंद जी ललिता जी जैन प्रशांत विहार अखंड दीपक कर्ता परिवार श्रीमान प्रमोद जी जैन महावीरा ट्रेडिंग कंपनी मॉडल टाउन परिवार अध्यक्ष मॉडल टाउन चित्र अनावरणकर्ता हमारे श्रीमान सरदराज जी कासलीवाल व श्रीमान गजेंद्र जी भद्द रोहिणी परिवार की तरफ से किया जाएगा। अभी लाल किले पर बंधुओं हमारे प्रधानमंत्री जी ही झंडारोहण करते हैं झंडा फहराते हैं। इस बार श्री सम्मेध शिखर जी की जो 20 तीर्थंकरों की 20 भगवानों की मोक्ष भूमि है वहाँ पर एक साथ सुबह ठीक 7 बजे
20 झंडा रोहण किए जाएंगे। कोई भी परिवार चाहे अपने परिवार की तरफ से मात्र 51,000 रुपए की राशि देकर के बंधुओं इस पुण्य को कमा सकते हैं। आज का पहला नाम हमारे साथ में श्रीमान अशोक जी नरेंद्र जी जैन जगजोत ट्रेडर्स परिवार राणा प्रताप बाग, जिनके द्वारा पहला झंडा रोहण लाल किले के मैदान में आने वाली 13 नवंबर को किया जाएगा। आप जो भी चाहें मात्र 20 नाम हमें चाहिए, जो भी चाहें अपना नाम हमें दे करके इस पुण्य लाभ को अवश्य लेवें। बंधुओं बहुत बड़ा सौभाग्य है कि लाल किला जो दिल्ली का दिल है, लाल मंदिर के सामने है, जहाँ से हमारे सम्मेद शिखर जी के लिए एक सिद्ध जो विधान किया जा रहा है, आप सभी को अवश्य बैठ करके धर्म लाभ लेना है। यहाँ पर करीब 5100 जोड़ों के द्वारा ये विधान जो किया जा रहा है वह अवश्य आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही शुभदायक होगा। कोई भी परिवार विधान की सामग्री में अगर अपना नाम देना चाहे, मात्र 1 लाख रुपए के 5 परिवार हमें चाहिए। कोई भी परिवार 1 लाख रुपए दे करके अपना नाम दे सकता है। उस परिवार को वहां पर एक मांडला बनाकर निःशुल्क विधान में बिठाया जाएगा। आप अपने परिवार की तरफ से मात्र 1 लाख रुपए की राशि दे करके इस पुण्य लाभ को भी ले सकते हैं। सभी को इस कार्यक्रम में आना है। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम सबका मिलकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमुख चक्रवर्ती श्रीमान पवन कुमार जी, मनीष जी, भरत जी गंगवाल कोलकाता परिवार है, विशेष चक्रवर्ती श्रीमान राकेश भाई, भरत भाई दोषी सन्मति पार्क बड़ौदा से हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जिन्होंने ये सौभाग्य लिया। आप भी अपने परिवार की तरफ से कोई भी व्यक्ति अगर सौभाग्य लेना चाहता हो तो जो नंबर हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं 8800202068 पर आप संपर्क कर सकते हैं। साड़ी धोती दुपट्टे के लिए जैसा आप सभी को पता है पूरी जमुना पार में हमारी राजरानी जी देख रही हैं, आप उनसे किसी भी तरह से संपर्क कर सकते हैं। अभी करीब 3200 लोगों के नाम हमारे पास में इस विधान में आ चुके हैं। आप भी जल्दी से जल्दी करें। कोई भी मंदिर अगर 40 से 50 सवारी कर देते हैं वहाँ पर हम बस की व्यवस्था हमारी तरफ से करेंगे। बस आपको केवल आना है, बैठना है और धर्म लाभ लेना है। चाहे कोई पहुँचे या ना पहुँचे, विधान ठीक 6:55 पर झंडा रोहण के साथ में शुरू हो जाएगा, जो कि 10:30 तक चलेगा। आप सभी लोग समय का ध्यान रख करके आप 6:30 तक वहां पर पहुंच जाएं। जय जिनेन, जय जिनेन। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन बंधुओं, आप सभी के सहयोग से बनने वाला ये विशाल मंदिर जो 1500 गज में आप सभी के सहयोग से आप सभी लोग देख रहे हैं, जिसकी बेसमेंट व ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गई, जहाँ पर 24 भगवान व 5 मुख्य वेदियों को स्थापित होना है। बंधुओं, जिस तरीके से आपने भूमि में दान दिया, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप निर्माण कार्य में भी हमारा साथ दे करके ये बनने वाला विशाल मंदिर जो GT करनाल रोड दिल्ली के हार्ट में जो बन रहा है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग सहयोग करके जल्दी से जल्दी इस मंदिर के निर्माण में सहयोगी बने। बंधुओं, कहते हैं जो परिवार एक राई के बराबर भी अगर वो मंदिर के निर्माण में अपने परिवार की तरफ से दान करता है तो शायद उसे कितने ही जन्मों का फल मिलता है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपने परिवार की तरफ से 1 लाख 2 लाख 5 लाख 11 लाख जितनी आपकी क्षमता हो इस बनने वाले विशाल मंदिर में सहयोग करके और हमारा सहयोग करें, जिससे इस मंदिर का निर्माण हम जल्दी से जल्दी बना सकें। जिस तरह आपको पता है यहाँ पर 5 मुख्य वेदियाँ वे 24 मंदिर बन रहे हैं, 5ों मुख्य वेदियाँ वे बुक हो चुकी है। 24 मंदिर में से करीब 13 मंदिर बुक हो चुके हैं, केवल 11 मंदिर हमारे बाकी है, जिसमें एक मंदिर व मूर्ति जो कि बिल्कुल अलग अलग बनेंगे उसकी राशि मात्र 21 लाख रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से एक मंदिर व मूर्ति जिसका पूरी राशि 21 लाख रुपए की रखी है बना करके ये भी धर्म लाभ ले सकते हैं। बंधुओं, आपके जीवन में दिल्ली जैसी जगह पर ये कार्य हो रहा है, आपको मौका मिल रहा है पुण्य कमाने का, अवश्य आप अपने परिवार की तरफ से कमा करके इस पुण्य को जरूर प्राप्त करें। इसी तरीके से जिस तरह आप देख रहे हो कोरोना के अंदर इस मंदिर के सभी ने मिलकर के कितना सहयोग जितने कोरोना पीड़ित थे उन सबका किया, कितने ही भाई बहनों को हॉस्पिटलों में भोजन करवाया, और आज विश्व का पहला मंदिर है जहाँ करीब 30 महीने से लगातार गरीबों को 500-600 लोगों को रोज भोजन करवाया जाता है। यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा शांति धारा के माध्यम से लाखों लोगों को कोरोना के अंदर फायदा हुआ। आप भी अपने परिवार की तरफ से
भोजन में व शांति धारा में कुछ भी राशि दे करके जरूर इस कार्य में भाग लेवे। अभी 500 गज जगह हमने हॉस्पिटल के लिए ली है, जिसमें करीब 444 गज का पैसा हमारे पास में आ चुका है, बाकी करीब 56 गज का पैसा हमें और चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि एक गज की मात्र राशि 1,00,000 रुपए की है, आप अपने परिवार की तरफ से 1 गज 2 गज 5 गज 11 गज जितनी आपकी हिम्मत हो दे करके इस पुण्य लाभ को भी लेवें। जैसा आपको पता है अभी हमने ओपीडी पीछे मात्र 80 गज जगह में चला रखी है, जहां पर करीब 60 से 70 भाई बहन रोज दिखा करके जिन्हें निःशुल्क दवाइयां देते हैं, देख करके अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी क्रियाओं में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में हो, चाहे भंडारा हो जहाँ गरीबों को भोजन करवाया जाता है, चाहे शांति धारा हो, सभी में अपने परिवार की तरफ से हिस्सा लेकर के इस मौके को ना छोड़ें। बंधुओं, ये पुण्य का अवसर आपको मिला है, इसे अवश्य आप ग्रहण करें। दिल्ली जैसी जगह पर यह पुण्य आपको मिला है, इसे अवश्य ग्रहण करें।